हेलो स्टूडेंट्स, आज मैट्रिक स्पेस में कौशी जो सीक्वेंस पढ़ी थी उसके ऊपर एक थ्योरम और लेके आए हैं। क्या? कि एवरी कौशी सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। हर एक कौशी सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस ऑलवेज बाउंडेड होती है, ये हम आज प्रूव करेंगे थ्योरम। ठीक है, every Cauchy sequence in matrix space is always बाउंडेड, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कौशी सीक्वेंस लेंगे इन मैट्रिक। ठीक है, फिर हम दिखाएंगे कि वो एक स्पेयर के अंदर कंटेंट है, प्रॉपरली कंटेंट है, पूरी की पूरी सीक्वेंस जितने भी टर्म्स है, x1 x2 x3 x4 x5 एक्स इन्फिनिटी तक जितने भी सीक्वेंस के टर्म है वो सारे के सारे किसी एक स्पेयर के अंदर बंद है। ठीक है, तब हम बोलेंगे वो हमारी जो सीक्वेंस है वो बाउंड है। अब हमें वो स्पेयर ढूंढना है जिसके अंदर वो बंद होगी। ठीक है, तो देखो पहले तो हम सीक्वेंस लेते हैं, लेट xn बी ए कौशी सीक्वेंस इन xd। अब देखो कोई सीक्वेंस कौशी है तो क्या कंडीशन होती है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n या k समथिंग कुछ भी। ठीक है, नेचुरल नंबर n नोट मान लो, n नोट सच दैट xm xn का जो डिफरेंस है मतलब d ऑफ xn xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एप्सिलॉन है वो आर्बिट्री होता है, गिवन होता है, कुछ भी होता है, रैंडम कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पे वन लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेट या फिर फॉर गिवन एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, फॉर एप्सिलॉन वन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन के ले लो या एन नोट ले लो, एन नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट व्हेन एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट देन क्या होता है, डी ओ एक्स एम एक्स एन इज ऑलवेज लेस देन वन, जो हमारा गिवन एप्सिलॉन है। ठीक है, जो हमने माना है उससे हमेशा ये छोटा होगा। अब यहाँ पे तो ये देखो ये एन नोट से बड़े सभी एम एन के लिए ट्रू है, तो एन नोट के लिए भी ट्रू होगा ना। तो हम मान लो यहाँ पे जो एक्स एम या फिर एक्स एन है इसमें किसी एक को आप एन नोट के इक्वल रख दो। ठीक है, यानी कि डी ऑफ एक्स एन एक्स एन नोट इज ऑलवेज लेस देन वन फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए, है ना, ऐसा हमारा ट्रू होगा। तो देखो ये एक क्या है, स्पेयर है, स्पेयर है अराउंड एक्स एन नोट। तो यहाँ देखो एक्स एन नोट को हमने फिक्स कर दिया, एन नोट को फिक्स कर दिया ना, तो ये एक्स एन नोट के अराउंड एक स्पेयर बन गया। तो दिस इज क्या है, वन रेडियस का एस आर यानी कि एस वन एक्स एन नोट कंटेन एक्स एन फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। ठीक है ना, तो हमारी सीक्वेंस की जो एन नोट के बाद बची हुई जितनी भी टर्म्स हैं एक्स एन फॉर ऑल एन नोट से आगे के लिए वो सारी की सारी इसे एस
वन एक्स एन नोट के अंदर कंटेंट हो रही है, या फिर इस ये किसके अंदर कंटेंट होता है, क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेंट होता है ना, ये भी हम बोल सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमें एक्स नोट के बाद, हमारी एक्स एन नोट के बाद जितनी भी सीक्वेंस की टर्म है वो सारी की सारी इस पेयर के अंदर आ रही है, लेकिन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लेके एक्स एन नोट तक हमें नहीं पता वो कहाँ जा रही है, इसके अंदर जा रही है या नहीं जा रही। तो हम इस पेयर का रेडियस बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएं कि ये सारी की सारी टर्म्स हमारे स्पेयर के अंदर आ जाए। तो वो बढ़ाने का एक तरीका होता है क्या, हम डिफरेंस लेंगे एक्स वन और एक्स एन नोट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स एन नोट के राउंड है ना ये स्पेयर, तो हम इसका क्या लेंगे, मैक्सिमाइजेस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स वन एक्स एन नोट डी ऑफ एक्स टू एक्स एन नोट और ऐसे डी ओ एक्स एन नोट माइनस वन और एक्स नोट और लास्ट में क्या होगा वन, जो हमारा ये स्पेयर है ना, क्योंकि वन रेडियस का जो स्पेयर है उसमें तो इसके बाद की सारी टर्म आ ही रही है, एक्स एन मतलब एक्स एन नोट के बाद की सारी सीक्वेंस की टर्म आ रही है, तो इनमें से जो बड़ा होगा वो ही ले लेंगे। तो उसके अंदर डेफिनेटली सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी और इसको नाम दे दिया मैंने आर नंबर दे दिया, ठीक है। तो इस रेडियस का जो भी स्पेयर होगा वो देखो ये छोटा ही रह जाता है ना, ये डिफरेंस है एक्स एन नोट से छोटा है, तो मतलब एक्स नोट के राउंड जब हम स्पेयर बनाएंगे तो उसके अंदर ही रह जाएगा हर एक टर्म्स। तो देन एक्स एन कंटेंड इन एस आर एक्स नोट फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो हमारी जो सीक्वेंस है एक्शन वो क्या है, हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये थी कोशी सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस इज ऑलवेज बाउंडेड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस किसको बोलते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो कोई भी मैट्रिक स्पेस को हम कंप्लीट बोलेंगे यदि उसमें हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज होती हो, कन्वर्जेंट होती हो। देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना काउंटर एग्जांपल, कि एक कोशी सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो 01 वाला हमने एग्जांपल लिया था कि हम सेट ले रहे हैं 01 ओपन 0 की तरफ से और क्लोज 1 की तरफ से, और उसमें हमने सीक्वेंस ली थी क्या 1 बाय एन वाली, तो वो कन्वर्ज 0 पे करती है, लेकिन 0 हमारे एक्स में नहीं है तो वो हमारे मैट्रिक स्पेस में कन्वर्ज नहीं कर रही। तो मैट्रिक स्पेस में वह मैट्रिक स्पेस जिसमें हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करती हो उसको हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है, वह मैट्रिक स्पेस वह मैट्रिक स्पेस जिसमें प्रत्येक कोशी सीक्वेंस कोशी अनुक्रम अभिसारी हो, ठीक है, प्रत्येक कोशी सीक्वेंस तो उसे हम
कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। तो उसे हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहते हैं। आई ना परिभाषा समझ में? क्या वह मैट्रिक स्पेस जिसमें हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, है ना। अब देखो इसका एग्जांपल समझाता हूँ मैं। कोई यूजुअल मैट्रिक्स, यूजुअल मैट्रिक, मैट्रिक्स नहीं मैट्रिक, यूजुअल मैट्रिक ऑलवेज कंप्लीट मैट्रिक होती है। ये हमने लिख तो दिया, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कैसे? हम इन जनरल को एक कोशी सीक्वेंस लेके चलेंगे, कोशी सीक्वेंस, और हमें दिखाना है वो कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तब हम बोल देंगे कि हमारी जो यूजुअल मैट्रिक है वो कंप्लीट है। तो देखो प्रूव कैसे करें, या फिर सॉल्यूशन। लेट एक्शन बी ए कोशी सीक्वेंस इन आर डी, ठीक है। आर डी पे लिए हमने ये यूजुअल मैट्रिक, ठीक है। हमें दिखाना है कि ये जो है वो कन्वर्जेंट है। कोशी सीक्वेंस है तो क्या प्रॉपर्टी होगी? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट एन नॉट या फिर एन के बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, हर एक एम एन एन नॉट या एन के से बड़े हो उनके रिस्पेक्ट में डी ऑफ एक्स एम एक्स एन इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, और यूजुअल मैट्रिक है तो क्या करते हैं डी एम माइनस सॉरी एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा हम लेते हैं। तो देखो एप्सिलॉन यहाँ पे क्या होता है, गिवन होता है ना, तो हम कुछ भी हम ले सकते हैं, उसके करस्पोंडिंग हमें एक एन के मिलता है। तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर रहे हैं। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बाय टू के, ये चीज़ हम ले रहे हैं, तो इसके करस्पोंडिंग हमें एक एन के मिल रहा है सच दैट कि मोड ऑफ एक्स एन और माइनस एक्स एम इज लेस देन वन बाय टू के फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के, है ना। हम यहाँ पे एम की वैल्यू फिक्स कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर दें, एक्स एन माइनस एक्स एन के इज लेस देन वन बाय टू की पावर के, ठीक है। व्हेन एम इज इक्वल टू एन के लेने पे, है ना। अब देखो ये क्या शो कर रहा है, ये पता है कुछ समझ में आ रहा है? ये एक इंटरवल है किसके अराउंड, एक्स एन के, कोई पॉइंट होगा ना रियल नंबर में, ये सारे के सारे सीक्वेंस क्या है आर में से आ रही है, तो एक्स एन के भी एक आर का ही नंबर है, तो आर सॉरी एक्स एन के जो पॉइंट है उसके अराउंड वन बाय टू के जो लेंथ है उस लेंथ का ये इंटरवल है, ठीक है। तो ये जो एक्स एन है जो सीक्वेंस है इस इंटरवल के अंदर जा रही है, तो इसको आप ऐसे खोल भी सकते हो, खोलने पे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो हम इसका मॉडुलस हटा रहे हैं, मॉडुलस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एन माइनस एक्स एन के इधर तो ये पॉजिटिव और बड़ा होगा नेगेटिव से ऐसे, है ना। अब तीनों तरफ आप एक्स एन के को ऐड कर दो, एक्स एन के को ऐड कर दो, तो एक्स एन के माइनस वन बाय टू के और एक्स एन और
एक्स एन के प्लस वन बाय टू के, आई ना पास में। तो देखो ये क्या है, एक्स एन किसके अंदर है, इस वाले और इस वाले नंबर के बीच में है, यानी कि हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो एक्स एन बिलोंग टू ओपन इंटरवल, देखो स्ट्रिक्टली नहीं है ना, ये इक्वल टू लगा होता था वो क्लोज लग जाता, तो ये स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली लेस देने तो क्या होगा ओपन लगेगा। तो छोटा नंबर क्या है, एक्स एन के माइनस वन बाय टू के, और बड़ा क्या है, एक्स एन के प्लस वन बाय टू के। तो ये हमारा इंटरवल आ चुका है। तो इसको हम आई वन नोटेशन देंगे। तो देखो हमारी जो सीक्वेंस की जो टर्म्स है एक्स एन के बाद जितने भी आएंगे, एक्स एन के बाद जितने भी एक्स एन है वो सारे के सारे हमारे इसे इंटरवल के अंदर कंटेंड हो रही हैं। तो एक बार मैं इसको आप मिटो रहा हूँ, तो देखो हम यहाँ पे इसको अगर आई वन आई के नोटेशन दे दें, आई के ठीक है, या फिर इसका क्लोज ले लो, आई के हम क्लोज इंटरवल को दे रहे हैं, आई के क्या एक्स एन के माइनस वन बाई टू के और एक्स एन के प्लस वन बाई टू के, ये हमारा आई के हो गया। तो हमारी जो सीक्वेंस एक्स एन है वो इसके अंदर आई के इंटरवल के अंदर कंटेंट हो रही है प्रॉपरली, पूरी 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 जितनी भी सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है सारी एक्स एन के बाद वो सारी की सारी इसके अंदर आ रही है। अब देखो हमारे इंटरवल हम बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या एन के था ना, ये के प्लस वन कर रहे हैं, के प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर बढ़ जाएगी, यानी कि एक्स एन के ये पॉइंट सेम रहेगा, पॉइंट सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगी पावर इसकी बढ़ जाएगी, और एक्स एन के प्लस वन बाय टू के प्लस वन आ गया। अब एक चीज़ मुझे ये बताओ, हाँ तो फिर थोड़ी सी टर्म छोड़ने के बाद ये सीक्वेंस की टर्म्स इसमें भी जाएंगी, ठीक है, एक चीज़ बताओ मुझे कि इनमें से कौन सा प्रॉपरली आपस में कंटेंट है, आई के प्लस वन इसके अंदर कंटेंट है या आई के इसके अंदर कंटेंट है, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ तो नोट कर लो कि ये दोनों सेम पॉइंट पे इंटरवल हैं, क्या एक्स एन के पे, ये तो वन बाई टू के लेंथ का है और ये सेम पॉइंट एक्स एन के पे वन बाई टू के प्लस वन लेंथ का है, तो आप इनकी लेंथ चेक कर लो, पूरे इंटरवल की लेंथ चेक कर लो, तो आप क्या करोगे, अगर हमें चेक करनी हो आई के तो क्या करेंगे, इस पॉइंट में से ये वाला पॉइंट घटा दो, तो एक्स एन के से एक्स एन कट गया तो ये माइनस माइनस ये तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, टू बाई टू की पावर के, ये आ गया वन बाई टू की पावर के माइनस वन, और आप लेंथ निकालनी चाहो किसकी, के प्लस वन की, तो क्या होगा इस वाले इसमें ये वाला घटा दो, तो एक्स एन के तो गया, ये वाला टू टाइम हो जाएगा टू बाई टू की पावर के प्लस वन, यानी कि वन बाई टू के, तो ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है, तो टू के बड़ा है ना यहाँ पे टू के माइनस वन से, तो ये इंटरवल ये लेंथ छोटी हो गई, ये वाली बड़ी लेंथ है, यानी कि आई के प्लस वन है वो आई के अंदर कंटेंट है, मतलब आई के प्लस वन कंटेंट इन आई के, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज़ और नोट करो, जो आई के है उसकी लेंथ है के टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रही है, जीरो पे जा रही है ना, सिंस लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी पे आई के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और हमारी सीक्वेंस के टर्म्स है वो आई के प्लस वन ऐसे, इनमें कंटेंट 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 होते जा रहे हैं। अब देखो एक नेस्टेड थ्योरम की थी हमने, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, आपने अगर नहीं पढ़ी है तो आप पीछे लेक्चर जाके देख लो, अदरवाइज बुक उठाओ और नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, नेस्टेड इंटरवल इंटरसेक्शन थ्योरम ऐसे करके हैं,
nested interval, nested intersection theorem, interval theorem. तो वो क्या बोलती है, कोई भी क्लोज इंटरवल की सीक्वेंस है कैसी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इन द सेंस आई के प्लस वन कंटेंट इन आई की फोर ऑल के, ठीक है, ऐसा हो रहा हो. और साथ ही साथ क्या हो रहा हो, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी पे आई के की जो लिमिट है ना इंटरवल की वो जीरो हो रही हो. देन इनके इंटरसेक्शन में एक यूनिक पॉइंट मिलेगा, ठीक है. देन इंटरसेक्शन ऑफ आई के कंटेंट्स एग्जैक्टली वन पॉइंट, और हम मान रहे हैं कि वो पॉइंट क्या है, एक्स है, आई के इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है. तो हम अब शो करेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है एक्स एन है वो एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है. तो देखो एक चीज हमने यहां से क्या नोट की, हमारा जो एक्स है वो हर एक आई के में है, सिंस एक्स के कंटेंट इन आई के फॉर ऑल के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है. सॉरी एक्स के नहीं, सॉरी ओनली एक्स. हम शो करेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो जो इंटरसेक्शन में जो पॉइंट आएगा उसी पे कन्वर्ज करेगी. और एक चीज़ ये नोट करो कि एक्स एन है, इसके अंदर एक्स एन बिलोंग टू आई के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के, एन के एक पॉइंट है ना हमारा, तो उससे बड़े एन है वो सारे के सारे से आई के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में जो एक्स एन है वो आई के अंदर कंटेंट हो रही है. और आई के की लेंथ क्या है, 1/2 की पावर के माइनस वन. तो ये पॉइंट भी इसके अंदर है, ये पॉइंट भी अंदर है, तो इसका अगर हम ये डिफरेंस लेना चाहें कि एक्स और एक्स एन, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर के माइनस वन. के माइनस वन अपॉन के माइनस वन ये क्या है, इस आई के की लेंथ है ना. तो ये दोनों पॉइंट इस आई के इंटरवल में, मान लो ये इंटरवल है, ये दो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस अगर लेना चाहें तो वे पूरे इंटरवल के जो डिफरेंस है, इस इंटरवल की जो लेंथ है उससे तो छोटा ही होगा ना. इन दोनों का डिफरेंस है वो, इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा छोटा होगा, और इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस जो है वो ये वाला नंबर है. और तो ये चीज़ समझ में आ गई है ना. अब एक चीज़ और हमने क्या देखी थी कि डी ऑफ एक्स एन और एक्स एन के इज लेस देन 1/2 के, या फिर 2k-1 भी ले सकते हो आप इसको. ये देखो ये रही है ना, आप स्टार्टिंग में जब करो इसको तो 2k-1 भी ले सकते हो, तो ये ऑलवेज 2k से भी रहेगी, ठीक है. तो ये वाला नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो ये आप इससे ऐसे भी ले सकते हो, तो इसको आप k-1 भी ले सकते हो. अब देखो हमें क्या शो करना है कि हमारी जो सीक्वेंस है एक्स एन है वो एक्स पे कन्वर्ज कर रही है. सॉरी ये पॉइंट क्या था, यहाँ पे एक्स एन के था, और कोई इसी इंटरवल के अंदर x है जिसके ऊपर हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है. तो x और xnk का बीच का डिफरेंस है वो इस पूरी इंटरवल से छोटा होगा, तो यहाँ पे xnk होगा, xnk लेंगे, ये xnk है, ठीक है. अब देखो हम क्या लेंगे, d ऑफ x और एक्स एन चाहिए हमें, इसका डिफरेंस चाहिए, तो मैट्रिक स्पेस से हम क्या लिखते हैं, डी ऑफ एक्स एक्स एन के प्लस डी ऑफ एक्स एन के एक्स एन. तो ये किससे छोटा है,
वन बाई टू के माइनस वन और प्लस वन बाई टू के माइनस वन, ये ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन बाई टू के। तो ये देखो, हम कोई भी गिवन एप्सिलॉन है ना, ये वाला गिवन एप्सिलॉन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला, एक एन के। तो जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है उससे क्या बोलते हैं, तो गिवन एप्सिलॉन फॉर गिवन एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बाई टू के रिस्पेक्ट में देयर एग्जिस्ट एक एन के मिला, सच दैट डी ऑफ एक्स एक्स एन इज लेस देन वन बाई टू के, या फिर एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के। इसका मतलब हमारी जो सीक्वेंस है एक्स एन, वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, एक्स पे कन्वर्ज कर रही है। एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो हमने क्या एक ओसी सीक्वेंस ली और हमने दिखा दिया कि वो हमारी कन्वर्ज करती है किस में, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में। इसका मतलब हमारी जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस है वो क्या हुई, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हुई। तो ये था हमारा एक एग्जांपल ऑन कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और कुछ आगे की थ्योरम्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।